This is our last slide where MBPLO is actually working in the field. इस साल के एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कंपटीशन में जिस टीम ने एमबी प्लाउ के विषय को बहुत आसान तरीके से प्रेजेंट किया वो विनर टीम है टीम उड़ान। कांग्रेचुलेशंस टीम उड़ान। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आपके प्रेजेंटेशन में एमबी प्लाउ के बारे में बहुत सही तरीके से समझाया। ये जानकारी किसान भाइयों के लिए जरूर फायदेमंद रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर। इसमें से कुछ जानकारी तो हमने कॉलेज में ही सीखी है और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन हमने प्रेजेंटेशन में ऐड कर ली। वो तो मैंने देखा, लेकिन मुझे ये बताओ कि इतनी सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली कहाँ से? सर उसकी एक कहानी है। आपको पता है अपने कॉलेज का एक स्टूडेंट? स्टूडेंट कौन? स्टूडेंट आज मेरे जूनियर्स को मेरी याद कैसे आई? कॉलेज में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है सर। हम आपके पास इसलिए आए कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कंपटीशन में इस साल हमारे कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत बढ़िया। और हमने एमबी प्लाउ का सब्जेक्ट चुना है। सर एमबी प्लाउ के बारे में थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए तो हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, पर हम इसमें प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। बहुत बढ़िया। बोलो मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? सर हम आपसे फील्ड में प्लाउ के ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेने आए हैं। अच्छा ठीक है, पहले चाय तो पी लो, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। खेत में जाने से पहले ये बताओ कि प्लाउ का उपयोग क्या है? प्लाउ का उपयोग जमीन के अंदर गहराई में जाकर मिट्टी को पलटाना और जिस फसल की जड़ें ज़्यादा गहराई में जाती है उसके जुताई के वक्त प्लाउ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे करने में मदद करता है। इससे ताज़ा पोषक तत्व जमीन की ऊपरी सतह पर आते हैं। और एक बात, फसल कटने के बाद बचे हुए कुटी को मिट्टी में मिलाता है और इससे जमीन में जैविक खाद की मात्रा बढ़ती है और इससे फसल भी अच्छी होती है ना सर? बिल्कुल सही। चलो चलो अब इसे खेत में चला के देखते हैं। अरे रुको रुको, खेत में प्लाउ को चलाने से पहले कुछ सेटिंग करना बहुत जरूरी है जिससे उत्पादकता भी बढ़ती है और काम भी अच्छा होता है। लेकिन सर प्लाव में ऐसी कौन से सेटिंग्स है जो हमें खेत में जाके करनी पड़ेगी? जैसे कि जुताई की चौड़ाई, जुताई की गहराई, काम करते वक्त प्लाव सीधा है या नहीं, ऐसी बहुत सारी सेटिंग है जो हमें खेत में करनी पड़ती है। तो एक काम करते हैं, ये सब सेटिंग हम खेत में जाकर ही करते हैं। सबसे पहले टॉपलिंग को मिट्टी के हिसाब से एडजस्ट करो। मिट्टी के हिसाब से यानी? मिट्टी के हिसाब से यानी मिट्टी अगर सख्त है तो टॉपलिंग को बीच वाले होल में लगाओ, मिट्टी नरम यानी हल्की है तो टॉपलिंग को नीचे वाले होल में लगाओ, जिससे सेंसिंग अच्छी होगी और काम भी अच्छा होगा। लेकिन सर खेत में काम करने वाले किसान को कैसे पता चलेगा कि उसने की हुई सेटिंग सही है या नहीं? इसके लिए ये ध्यान रखो कि काम करते समय टॉपलिंक हमेशा ट्रैक्टर की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए और इस्तेमाल किए जाने वाला प्लाउ मैचिंग होना चाहिए, यानी उसकी मास्ट हाइट 24 इंच होनी चाहिए। स्वे चेन की लंबाई इस तरीके से एडजस्ट करो कि इम्प्लीमेंट का स्वे 1 से 2 इंच के आसपास हो। अच्छा ये बताओ इम्प्लीमेंट का स्वे ज्यादा या कम रखा तो क्या होगा? नहीं पता सर। चलो बताता हूँ। अगर स्वे ज्यादा है तो लोअर लिंक टायर को आकर टकराएगी और टायर को नुकसान होगा। अगर स्वे कम है तो प्लाउ पूरी गहराई नहीं लेगा। अब हम देखते हैं कि प्लाउ की चौड़ाई कैसे एडजस्ट की जाती है। लेकिन सर प्लाउ की चौड़ाई कैसे नापी जाती है? इसे समझने के लिए शियर पॉइंट और शियर एंड से दो सीधी लाइन खींचे, इन लाइन के बीच का अंतर मतलब प्लाउ की चौड़ाई। समझ में आया ना? हाँ सर। ज्यादातर प्लाउ की चौड़ाई फिक्स होती है, लेकिन इस प्लाउ में इसे एडजस्ट करने की सुविधा है जो आप जमीन के या ट्रैक्टर के हॉर्स पावर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। पर सर इसे कैसे एडजस्ट करते हैं? चलो आओ इसे दिखाता हूँ कैसे एडजस्ट करते हैं। तो प्लाउ पर दिए गए इन तीन छेद और इस बोल्ट की मदद से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। 10 इंच के लिए बोल्ट को यहाँ लगाएं, 12 इंच के लिए इस बोल्ट को निकाल कर यहाँ लगाएं, 14 इंच के लिए इस बोल्ट को यहाँ पर लगाएं।
सर ये तो समझ आ गया कि इसे कैसे एडजस्ट करते हैं, पर प्लाव के ऊपर ये दो रॉड क्यों दिए गए हैं? समझाता हूँ। इन दो रॉड को टर्न बकल कहा जाता है। बाहर वाले टर्न बकल से आगे वाले बॉटम की चौड़ाई एडजस्ट की जाती है। अगर चौड़ाई कम है तो बाहर वाले टर्न बकल को घुमाकर लंबा करें, अगर चौड़ाई ज्यादा है तो इसे घुमाकर छोटा करें। कभी कभी जुताई करते वक्त ट्रैक्टर एक तरफ खींचने लगता है। अगर ट्रैक्टर जुताई किए हुए जमीन के तरफ खींच रहा है तो अंदर वाले टर्न बकल को घुमाकर छोटा करें। अगर ट्रैक्टर जुताई न किए हुए जमीन के तरफ खींच रहा है तो इसे घुमाकर लंबा करें। क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। लेकिन प्लाव की गहराई कैसे सेट करते हैं? जितना ज्यादा वजनदार प्लाव होगा उतना ज्यादा वो गहराई लेगा, लेकिन उचित गहराई के लिए पीसी और डीसी लीवर की सेटिंग करना बहुत जरूरी है। चलो हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उचित गियर और इंजन आरपीएम चुने। प्लाव की गहराई सेट करने के लिए दोनों लीवर को पूरा नीचे कर दे। अब धीरे धीरे ट्रैक्टर को आगे बढ़ाए। जैसे ही ट्रैक्टर के व्हील स्लिप होने लगे उस समय हल्के हल्के डीसी लीवर को थोड़ा ऊपर उठाए। जैसे ही इम्प्लीमेंट को झटका लगेगा उस जगह से थोड़ा ऊपर उठाकर ड्राफ्ट लीवर को लॉक कर दे। हाँ सर, गहराई के साथ साथ चौड़ाई और बाकी की सेटिंग्स भी समझ में आ गई, लेकिन जुताई करते वक्त प्लो सीधा क्यों होना चाहिए? जैसे कि तुम देख रहे हो, जुताई करते समय पे ट्रैक्टर का एक पहिया हमेशा फर्रों में चलता है, जिसके कारण ट्रैक्टर और प्लाउ तिरछा चलता है। इसीलिए इसे सीधा करने की जरूरत है। इसे सीधा कैसा करना है आओ हम इसे जाकर देखते हैं। प्लाउ को 3-4 इंच जमीन से ऊपर उठाए, इसे घुमा के सेट करे और स्टॉपर बोल्ट को एडजस्ट करे। प्लाउ को पलटी करके दूसरी तरफ से भी इसे सेट करें। तो जूनियर्स, ये थी फील्ड में की जाने वाली प्लाउ की सेटिंग्स। सर, अभी हमें लगता है इस प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन की मदद से हम एमबी प्लाउ को आसान तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे और ये कंपटीशन जरूर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपटीशन। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने ये जानकारी खेत में आके ली और ये जानकारी आप किसान भाइयों तक पहुंचाने में मदद करोगे। जी सर, हम जरूर कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, अब मैं समझा कि आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी क्यों रही। अब मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू सर।